नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ रुपौली से विधायक बने शंकर सिंह हैं और शंकर जी से तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले शंकर जी, निर्दलीय चुनाव लड़के आप आए और सराहना आपकी कई लोगों ने की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आप मिले, उनसे भी मुलाकात हुई। फिलहाल सबसे पहले चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर, जिस तरीके से वो यात्रा पर निकले और कह रहे हैं कि पहला चरण है फिर से एक बार यात्रा पे, क्या लगता है फ़ायदा होगा कुछ? देखिए, ये तो जनता का मूड है और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, विकास किया है तो हम लोग विकास को साथ दिए हैं और हम अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास बहुत सारा योजना स्वीकृत हुआ है, हॉस्पिटल हुआ है, रोड भी हुआ है तो मुख्यमंत्री जी से मिले तो सारा स्वीकृति मिल गया है और बनेगा जी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे वक्फ बोर्ड मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम वाली बातें भी सामने आ रही है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये तो सर्वे अभी शुरू हुआ है, अभी फाइनली जब होगा उसके बाद ही निर्णय आएगा कि कैसे क्या करना होगा। अच्छा, जमीन सर्वे को लेकर भी बातें चल रही हैं? हाँ, तो जमीन तो अभी मान लीजिए किसी का क्लियर हुआ नहीं है। अगर हम पांच भाई हैं तो पांचों भाई का दादा के नाम से है, अभी अलग नहीं हुआ है तो उसमें तो झमेला है, धीरे धीरे सुधार होगा। अगर फाइनली सर्वे होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग इससे परेशान भी हैं, कई लोगों को लग रहा है इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कई लोग कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा है। देखिए, अगर सही तरीके से होगा तो बहुत फायदा है, सबको आसान हो जाएगा, जितना आज जमीनी विवाद चल रहा है सब समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, शराबबंदी को लेकर लगातार जीतन राम मांझी जी जो हैं वो बयान दे रहे हैं, प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो शराब खुलवा देंगे, तो इस तरह के जो बयान शराबबंदी को लेकर आ रहे हैं और बार बार शराबबंदी को लेकर के चर्चा होती है, तो आप किस तरीके से इसको देखते? देखिए, अब सबका सोच अलग अलग है, अगर शराबबंदी सरकार चाहेंगे तो खुल सकता है, इससे राजस्व का फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बंद करा दिए तो ठीक है, महिला सब इसके पक्ष में है और अच्छा काम किया है। आपके हिसाब से क्या लगता है, नीतीश कुमार जी को आप मानते हैं आदर्श और ऐसे में शराबबंदी उन्होंने ही करवाई और कई लोग विरोध कर रहे, कई लोग इसके पक्ष में हैं, तो शंकर सिंह जी किस तरीके से? देखिए, पक्ष विपक्ष तो होता ही है, विपक्ष का काम है हल्ला करना, तो हम लोग विकास को साथ दिए हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं इसलिए हम समर्थन दिए और हमारे क्षेत्र में जो जो वादा किए हैं, डिग्री कॉलेज हो, रिंग बांध हो, बिजली का समस्या हो, तो सारा समस्या पर हमारी मुख्यमंत्री से बात हुआ तो हम समर्थन दिए और काम हो भी रहा है। आपके क्षेत्र में जो जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो? हाँ, सब काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, शंकर सिंह जी रुपौली से विधायक, उनसे बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।